रिलेशन पूछा हुआ है आपसे हाइट और डेप्थ के केस में, और ये बोला हुआ है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ फॉर द सेम चेंज इन ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी में सेम चेंज होगा तो रिलेशन क्या बनेगा हाइट और डेप्थ में। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कि जो भी हमारे पास आंसर निकल के आता है, ग्रेविटी की वैल्यू निकल के आती है हाइट पे और डेप्थ पे, अगर वो सेम बदलती है, मतलब चेंजेस जो दोनों में सेम होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। तो अब एक बात बताओ मेरे को, हाइट के केस में ग्रेविटी की वैल्यू ये वाली आती है, ठीक है, और डेप्थ के केस में ग्रेविटी की वैल्यू ये आती है। इसके डेरिवेशंस मैंने करा दिए हैं, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो कि ये कैसे निकल के आया ये पोर्शन, राइट। अब ये बस आपको ये इन्होंने सेम बोला हुआ है, कंडीशन सेम दिया हुआ है, राइट। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे यहाँ इसको दिखाऊँ तो ये जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यूज़ को कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा कि G1 माइनस में 2H/R इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी। अब इसको भी राइट हैंड साइड में डाल दूंगा, ठीक है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में डाल दूंगा, तो G1 माइनस D/R, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जी से जी कट कर दोगे तो ये बचेगा 1 माइनस में 2H/R इज इक्वल टू 1 माइनस में D/R, राइट। तो यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे आ गया आपके सामने, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर और यहाँ पे आ जाएगा 2H, इधर भी आ जाएगा एलसीएम लेने पे आर, यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस डी, ठीक है, ये आर से आर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आर माइनस का 2H इज इक्वल्स टू आर माइनस का टी, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आर से आर अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा 2H, ठीक है। तो ये आ गया डी बराबर 2H, सॉल्व हो गया आपका, यही था क्वेश्चन।